बिग बॉस 15 के बाद आखिर क्यों करण कुंद्रा थे काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड? आखिर में क्या रहा अब रिएक्शन और क्या वजह आई सामने? चलिए मैं आपको बता देती हूँ इस वीडियो में। हेलो एंड हाय एवरीवन, दिस इज केशव एंड वेलकम टू अचान। रिया करण कुंद्रा काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे और वो इस बात को लेकर कि कहीं ना कहीं उनका जो फेथ है वो उठ गया था। और दरअसल मैं आपको बता दूं कि जब तेजस्वी से इसको लेकर बातचीत हुई तो तेजस्वी ने जो है अपनी बातें रखी और साथ ही ये भी बताया कि क्यों करण काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड था। वेल, कहीं ना कहीं तेजस्वी कहती कि वो खुद भी काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड थी क्योंकि जिस तरीके से चीजें हुई वो मतलब काफी ज्यादा शॉकिंग था। यानी कि करण कुंद्रा जो कि सेकेंड रनर अप रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो टॉप टू में तो होगा ही सही। वहीं ये चीज जो है तेजस्वी ने पहले भी कही थी कि जहां पर तेजस्वी कहती हैं कि मैं और करण हम दोनों ही ये चाहते थे कि सलमान सर का एक हाथ जो है वो तेजस्वी के हाथ में हो, वहीं दूसरा हाथ जो है वो करण कुंद्रा के हाथ में हो। वह जो चीजें एक्सपेक्ट की थी वैसी हुई नहीं, जिसके चलते हम दोनों काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे। वेल, हम दोनों को ये चीज पता था कि अगर हम दोनों टॉप टू में होते हैं तो दोनों में से कोई भी जीतता है तो ट्रॉफी तो घर में आनी है डेफिनेटली, लेकिन ऐसा हुआ नहीं जैसा हमने सोचा था तो हम दोनों काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुए। वहीं करण कुंद्रा जो है वो काफी ज्यादा बाद में काफी ज्यादा अपसेट हुआ था, लेकिन फिर जब हम दोनों की बातें हुई तभी चीजें जो है वो नॉर्मल हो रही है और हम दोनों जो है वो एक साथ अब टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं। वेल, ये सारी बातें जो है तेजस्वी प्रकाश ने कही और कहा कि अब हाल फिलहाल जो है चीजें नॉर्मल हो रही है और हम लोग जो है वो काफी ज्यादा और काफी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वेल, जानना चाहूंगे आपके रिएक्शन, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। बॉलीवुड प्लस टेलीविजन जगत की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।